हाय माय ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, हाय, मेरा नाम चिताली है और मैं एक इंडियन ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर हूं। और स्किन केयर और हेयर केयर में मेरी खास दिलचस्पी है। फॉर्मुलेशंस के बारे में पढ़ना, उन्हें टेस्ट आउट करना, इंग्रेडिएंट्स कैसे स्टैक्ड हैं फॉर्मूला में, कौन सा फॉर्मुलेशन किस स्किन टाइप किस हेयर टाइप पर चलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे काफ़ी सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। 500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट भी है, लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट भी है, काफ़ी सारे स्किन केयर रूटीन्स हैं, काफ़ी सारे स्किन कंडीशंस को एड्रेस किया गया है, हाइपर पिगमेंटेशन, मलाजमा, एक्ने, सेंसिटिविटी, सब स्किन टाइप्स के स्किन केयर रूटीन्स और मेरे मॉर्निंग एंड इवनिंग स्किन केयर रूटीन्स भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल अगर ये आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर रिंग कर दीजिएगा ताकि एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो तो आपको ज़रूर पता चल जाए। अब आज का वीडियो है एक ग्लास स्किन केयर रूटीन। अब ग्लास स्किन केयर रूटीन के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, बट ये एक्चुअली होता क्या है। ग्लास स्किन मीन्स अ स्किन दैट इज वेल हाइड्रेटेड, इवन टोन्ड, क्लियर स्किन और हेल्दी स्किन को ग्लास स्किन कहा जाता है। आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द स्किन केयर रूटीन। ऑफ कोर्स आई एम आल्सो गोइंग टू बी गिविंग यू फ्यू टिप्स जो आप अपने डाइट में और जनरल लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज वी आर व्हाट वी ईट। ये आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि आप जो खाते हैं वैसे ही आपकी स्किन और बाल एंड सोल एंड मेंटल हेल्थ रहता है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू ईट well, exercise as well. तो थोड़े से टिप्स मैं आपको वहां भी दूंगी। अगर आप एक स्किन केयर फनेटिक हैं, स्किन केयर के बारे में डिटेल्ड स्ट्रक्चर्ड स्किन केयर रूटीन्स जानना चाहते हैं, चाहे आपका कोई भी स्किन टाइप हो, आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो, एक्ने हो, मलाजमा हो या सेंसिटिविटी हो स्किन पे, कोई भी स्किन टाइप में फॉल करते हैं या अपना स्किन टाइप ही ठीक से नहीं जानते, उसके लिए मैंने एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड स्किन केयर कोर्स यानी कि मेरा स्किन केयर मास्टर क्लास द अल्टीमेट गाइड टू पर्सनलाइज स्किन केयर रूटीन बनाया है। बहुत अफोर्डेबल है, रिफंड पॉलिसी भी है 3 दिन का। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी ताकि आप जाके उसे देख सकें अगर आपको एक पर्सनलाइज स्किन केयर रूटीन चाहिए। बहुत ही ईजी टू फॉलो एंड बहुत अच्छे रिकमेंडेशंस एंड नेवर सीन बिफोर टिप्स एंड ट्रिक्स भी दिए हैं इस स्किन केयर कोर्स में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब स्किन केयर रूटीन, जब हम सोचते हैं ग्लास स्किन केयर रूटीन, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो इंक्लूड करनी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला हाइड्रेशन, अपनी स्किन को वेल हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक्सफोलिएशन, देन इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू यूज़ सन प्रोटेक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं वो है डबल क्लेंजिंग एट नाइट। इन सब चीज़ों को मिला के एक ग्लास स्किन केयर रूटीन बनाया जाता है। इसके अलावा कुछ टिप्स आपको देना चाहती हूँ अपने न्यूट्रिशन, लाइफ स्टाइल और एक्सरसाइज से रिलेटेड। देखिए, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छा स्किन केयर तो लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से खा नहीं रहे, अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर रहे, यू आर नॉट रिलीजिंग स्ट्रेस, मेंटली आप स्ट्रेस्ड हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके स्किन पर, बालों पर और आपकी ओवरऑल हेल्थ में ज़रूर दिखाई देगा। तो ऐसे स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटीज़ करिए, एक्सरसाइज जैसे कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, आई फील इट्स अ वेरी गुड वे टू चैनलाइज योर एनर्जी। अगर आप किसी तरीके के स्ट्रेस में हैं, अगर आप किसी तरीके के लाइफ सिचुएशन में हैं, पर्सनली मुझे लगता है एक्सरसाइज रियली टेक्स केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। उसके बाद अगर आप मेडिटेट करना चाहते हैं, इट रियली रिलीव्स अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस। इन सभी चीज़ों का अमैलगमेशन और अच्छी डाइट, जिस पर मैं अभी आऊँगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इन अ ग्लास स्किन केयर रूटीन। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, न्यूट्रिशन। अब एक न्यूट्रिशियस डाइट जो है, एक होलसम कम्प्लीट वेल बैलेंस्ड डाइट, ना सिर्फ आपके बॉडी के वेलबींग के लिए अच्छा है, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी के लिए, इट प्रमोट्स कॉलेजन इज वेल, एंड द ओवरऑल हेल्थ ऑफ योर स्किन एंड हेयर डिपेंड्स ह्यूजली ऑन वॉट यू ईट। तो इसीलिए कुछ चीज़ें, इन्ग्रीडियंट्स या कुछ आपके न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज जो आपके खाने में हैं, वो आपको इंक्लूड करने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो फिश में, सामन में बहुत हाई होता है, अच्छे बालों के लिए, अच्छी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। एवोकाडो खाएं जो विटामिन ई से एनरिच्ड है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, बहुत ज़रूरी है। सीड्स खाएं, बेरीज खाएं, विटामिन सी रिच फूड्स खाएं, योगर्ट आपके गट के लिए बहुत अच्छा है, तो उसे भी अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। ये सारी चीज़ें एक वेल बैलेंस्ड डाइट बनाती हैं। एंड ऑफ कोर्स लीफी न्यूट्रिशियस वेजिटेबल्स, पालक खाएं आप, ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, साग आएगा आप सर्दियों में तो उसे ज़रूर खाएं। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कंट्रीब्यूट टू अ वेरी गुड हेल्दी स्किन एंड ऑल्सो हेयर, एंड सबसे ज़रूर
जरूरी, जो हम में से बहुत लोग भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाती हूँ काम करते हुए, लेकिन एक पानी का ग्लास अपने सामने काम करते हुए ज़रूर रखें. कीप योर स्किन वेल हाइड्रेटेड. पूरा दिन पानी नहीं पीते रहना है, दैट इज़ ऑल्सो फ्लशिंग आउट अ लॉट ऑफ सॉल्ट्स आउट ऑफ योर बॉडी. लेकिन जितना आप थोड़ा थोड़ा सिप करते रहेंगे, मेक श्योर यू आर टेकिंग अ गुड क्वान्टिटी ऑफ वाटर इन योर डाइट जनरली ऑन अ डेली बेसिस, बिकॉज पानी एक ऐसी चीज़ है जो हम भूल जाते हैं. भूख लगती है तो खाना खा लेते हैं, बट वाटर इज ऑल्सो समथिंग दैट यू हैव टू गिव योर बॉडी एंड कीप हाइड्रेटेड. चलिए नाउ लेट्स बिगिन विद द ग्लास स्किन केयर रूटीन. और ये पूरा ईजी टू डू स्किन केयर रूटीन है, बहुत सारे स्टेप्स नहीं है, 6-7 स्टेप्स में ये स्किन केयर रूटीन कंप्लीट हो जाता है. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जब आप रात को ये स्किन केयर रूटीन कर रहे हैं, ये मैं PM स्किन केयर रूटीन बता रही हूँ, और इसमें मैंने सारे अपने करंट प्रोडक्ट्स जो मेरे फेवरेट हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ उनके बारे में मैंने बात की है. सबसे पहला स्टेप रात को होना चाहिए डबल क्लेंजिंग. बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, और आपके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो डबल क्लेंजिंग से सॉल्व हो जाती हैं. डबल क्लेंजिंग का मतलब है कि पहले आप एक ऑयल बेस्ड क्लेंजर से अपना मेकअप रिमूव करेंगे. मेकअप नहीं पहनते तब भी आपको एक ऑयल बेस्ड क्लेंजर यूज़ करना ज़रूरी है, ताकि आपकी सनस्क्रीन ब्रेक डाउन हो, डर्ट ग्राइम जो है वो चेहरे से हट जाए, डीप क्लेंस हो जाए पोर्स. उसके लिए आप कोई भी क्लेंजिंग बाम या ऑयल आपके पसंद का, आपके बजट से रिलेटेड जो भी आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं. आई एम गोइंग टू लीव सम ऑप्शंस फॉर यू इन डिस्क्रिप्शन, लिंक्स जाके चेक कर सकते हैं. मेरा जो करंट फेवरेट है, एंड आप देख सकते हैं मैंने पूरा ही खत्म कर दिया, ये न्यूक्स का वेरी रोज क्लेंजिंग ऑयल है. बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसमें विटामिन ई भी है. इट रियली क्लेंजेज, डीप क्लेंजेज योर पोर्स. मेकअप बहुत अच्छे से निकालता है, स्पेशली योर वाटर रेजिस्टेंट मस्कारा एंड आईलाइनर्स. अगर आप हैवी फाउंडेशंस भी पहनते हैं, ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. जिन दिन मैं मेकअप नहीं भी पहन रही हूँ, आई एम वेयरिंग माई सनस्क्रीन एंड रीअप्लाइंग इट, तो सनस्क्रीन को ब्रेक डाउन करने के लिए भी इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट. अब आते हैं फेस वॉश पे, और ये फेस वॉश मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ में बताया है कि ये मेरा फेवरेट है. सो नो सरप्राइजेज, बजट फ्रेंडली भी है. मेरे पास है सिंपल का रिफ्रेशिंग 100% सोप फ्री फेस वॉश. बहुत ही ब्यूटिफुल फॉर्मूला है, सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. आपका जो फेस है अच्छे से वॉश करता है. इसमें जेंटल सर्फेक्टेंट डाला गया है, स्किन स्ट्रिप्ड आउट फील नहीं होती. दो हीरो इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करूँगी जो इसमें हैं, ग्लिसरीन एंड प्रोपेंडियोल. दोनों ही बहुत बेहतरीन ह्यूमेक्टेंट्स हैं, और दोनों ही हेल्प करते हैं आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखने में. बहुत अच्छा डबल क्लेंजिंग मेथड है. ऑयल क्लेंजिंग पहले करें, एंड उसके बाद यूज्ड अ वाटर बेस्ड क्लेंजर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द स्किन केयर रूटीन. और मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा एक्सफोलिएशन. लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एक्सफोलिएशन रोज़ रात को आप नहीं कर सकते. एक्सेसिवली एक्सफोलिएट होगी स्किन तो भी वो एक प्रॉब्लम एरिया है. मैं अपनी स्किन को 3-4 बार एक जेंटल सैलिसिलिक एसिड बेस्ड एक्सफोलिएंट से एक्सफोलिएट करती हूँ. बिकॉज मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है तो मुझे अपने पोर्स डीप क्लेंस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मुझे छोटे बम्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बहुत ईजिली हो जाते हैं. तो साइलिसिलिक एसिड का एक पावर हाउस ऑफ अ प्रोडक्ट आपको बताती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ 3-4 बार हफ्ते में. ये है पॉलास चॉइस का एक्सफोलिएट. नाउ आई नो दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट. इसका अल्टरनेटिव मैं आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी, आप उनमें से ऑप्शंस में से चूज़ कर सकते हैं. अब ये क्या है, इसके ऊपर बड़ी क्लियरली लिखा हुआ है कि ये 2% BHA लिक्विड एक्सफोलिएंट है. मैं इसे टोनर की तरह यूज़ करती हूँ. इसका कंसिस्टेंसी भी बहुत ही अच्छा, बहुत लिक्विडी नहीं है, बट डिसेंट, नाइसली ब्लेंडिंग इन टू द स्किन है. अब अगर आपको स्पॉट ट्रीट करना है इस लिक्विड से तो आप वो भी कर सकते हो. आपको ज़रूरी नहीं है पूरे फेस पे लगाना है. फॉर मी, आई यूज़ इट ऑन माय फोरहेड, चीक्स एंड नोज एंड चिन ऑल्सो, एसेंशली माय एंटायर फेस. लाइक आई सेड, क्योंकि मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन है और एक्ने प्रोन स्किन है, तब भी आप ये पूरे चेहरे पे लगा सकते हैं. आईज़ के अराउंड आपको नहीं लगाना है इसको, मेक श्योर. अब ये मैं कब लगाऊंगी, जब मेरा फेस एब्सोल्युटली वॉश करने के बाद ड्राई हो जाएगा. याद रखिएगा, हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स डैम्प स्किन पर जाते हैं, जैसे कि स्क्वालेन, ग्लिसरीन, हाइलुरोनिक एसिड एक्सेट्रा. जो एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ड्राई स्किन पर जाते हैं. अगर आप चाहते हैं मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं इस टॉपिक के ऊपर कि कौन सा स्किन केयर इंग्रेडिएंट किस वक्त आपको लगाना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए.
लगाने का तरीका बहुत सिंपल है, ब्यूटीफुल फॉर्मूला है, 2% सैलिसिलिक एसिड है टू डीप क्लेंस पोर्स, उसके बाद ग्रीन टी भी है। अब आप एक चीज़ जानते हैं कि सैलिसिलिक एसिड एंटी इन्फ्लामेटरी है, इसलिए वेरी वेरी गुड फॉर एक्ने प्रोन स्किन ऑल्सो। ग्रीन टी सूदिंग है, एंटी इन्फ्लामेटरी है स्किन के लिए, काम रखता है स्किन को, आपको किसी तरीके का इन्फ्लेमेशन इरिटेशन फील नहीं होगा। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट सैलिसिलिक एसिड प्रोडक्ट्स आई हैव यूज्ड सो फार, दिस हैज़ बिकम माई मोस्ट फेवरेट सैलिसिलिक एसिड प्रोडक्ट। ऑफकोर्स अफोर्डेबल ऑप्शन भी हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स ज़रूर छोड़ दूंगी। माई नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू यूज़ अ सीरम। हमने डबल क्लेंस कर लिया, टोन कर लिया एक्सफोलिएशन के तौर पर, और अब मैं लगाऊंगी एक सीरम जो कि बैरियर रिपेयर सीरम है, वन ऑफ द बेस्ट नाइसिनमाइड सीरम्स दैट आई हैव यूज्ड। दिस इज़ फ्रॉम प्लम, ये इनका 5% नाइसिनमाइड सीरम है। अब ये आता है राइस वाटर के साथ एंड अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स के साथ। अमीनो एसिड्स आर स्किन आइडेंटिकल एंड दे इम्प्रूव द इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, इतने अच्छे से प्लम ने फॉर्मुलेट किया है, दे रियली हिट द नेल ऑन द हेड। इसको लगाने का तरीका बहुत सिंपल है, आप 2 से 3 ड्रॉप्स अपने फेस पे लगाइए, बट यू हैव टू वेट जब तक आपका BHA टोनर जो हमने यूज़ किया है उसको अच्छे से 1 मिनट तक स्किन में अब्जॉर्ब होने दीजिए, उसके बाद इसे लगाइएगा। नाउ दिस बेसिकली ऑल्सो रिपेयर्स द बैरियर फंक्शन ऑफ द स्किन। अगर आपका ब्रोकन स्किन बैरियर है, एक अच्छा नायसिनमाइड ज़रूर इंक्लूड करें, बैरियर फंक्शन को मेनटेन भी करता है। आपको पता है नायसिनमाइड एंटा एजिंग, एंटा इन्फ्लामेटरी और बैरियर रिपेयर फंक्शन भी करता है, तो ओवरऑल बहुत ही वर्सटाइल इन्ग्रीडियंट है। अब यह है 5% नायसिनमाइड, मीनिंग ये बिगिनर फ्रेंडली फॉर्मूला भी है। इसमें कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं विच क्लियरली हाइड्रेट्स द स्किन रियली वेल एज वेल। राइस एक्सट्रैक्ट जो इसमें डाला है दैट बेसिकली हाइड्रेट्स द स्किन एंड हेल्प्स रिटेन मॉइस्चर इन द स्किन। इसमें रोज एक्सट्रैक्ट है, क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट है और एलेंटॉइन है, तीनों ही इंग्रेडिएंट्स सूदिंग है स्किन के लिए। मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट इफ यू आर अ बिगिनर और इवन एडवांस्ड इन योर स्किन केयर जर्नी, लुकिंग फॉर अ गुड नायसिनमाइड सीरम, ट्राई दिस। जब हम ग्लास स्किन के बारे में बात करते हैं तो हाइड्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमने नायसिनमाइड तो इंक्लूड कर लिया जो बहुत ही मल्टी फंक्शनल इंग्रेडिएंट है, और एक अच्छा प्रोडक्ट मैंने आपको दे दिया जिसमें राइस एक्सट्रैक्ट भी है विच हाइड्रेट्स द स्किन। अब आते हैं बारी हमारे आँखों को ट्रीट करने की। अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं, पफीनेस है, तो ये एक प्रोडक्ट मैं ट्राई कर रही हूँ कुछ टाइम से, लिटिल बिट गोज़ अ लॉन्ग वे। ये है लॉरियल पैरिस का हाइलुरोनिक एसिड अंडर आई सीरम। अब ये एक सीरम फॉर्म में है, इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा इन्होंने स्पैटुला जैसा भी दिया है विच इज़ वेरी कूलिंग अंडर द आई। इसको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, आपने थोड़ा सा लगा के अपनी रिंग फिंगर से टैप करना है। अब इसका फॉर्मुलेशन समझते हैं क्या है। इसमें नायसिनमाइड है विच इज़ गोइंग टू ब्राइटन योर अंडर आई एरिया, इन्होंने विटामिन सी भी डाला है, अगेन ब्राइटनिंग एंड कॉलेजन बूस्टिंग, और आपके फाइन लाइन्स पे, क्रोस फीट पे काम करेगा। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है इन माई ओपिनियन। ऑफकोर्स मुझे लगता है एंड मेरे रिसर्च के हिसाब से नायसिनमाइड विटामिन सी एक बहुत अच्छा डुओ है, कॉम्बिनेशन है। अब आते हैं हाइलुरोनिक एसिड पे। इन्होंने हाइलुरोनिक एसिड डाला है अंडर आई को हाइड्रेट रखने के लिए, एंड कैफीन भी डाल दिया है अलॉन्ग विद ग्लिसरीन। कैफीन डीपफ करता है आपके अंडर आई एरिया को, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, एंड ऑफकोर्स ग्लिसरीन इज अ ग्रेट ह्यूमेक्टेंट, मॉइस्चराइजिंग भी है। तो वेरी गुड नेक्स्ट स्टेप फॉर योर ग्लास स्किन केयर रूटीन। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा टू सील दैट एंटायर गुडनेस, और मैं यूज़ करूँगी एक मॉइस्चराइज़र। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल लाइट वेट मॉइस्चराइजर आई हैव यूज्ड, एंड प्लम बाय द वे इज़ रियली नेलिंग इट विद द रीसेंट फॉर्मुलेशंस। जो मेरे पास अभी है ये है प्लम का राइस वाटर नायसिनमाइड क्लियर मॉइस्चर जेल क्रीम। बहुत ही अमेजिंग लाइट वेट नॉन ग्रीजी फॉर्मूला है। ऑयली स्किन अगर आपकी है, एक्ने प्रोन स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, और नॉर्मल स्किन कैटेगरी में अगर हैं, लुक नो फर्दर। कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, इट्स एन अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट, एसेंशियल ऑयल्स नहीं है, इरिटेट नहीं करता स्किन को, इट रियली नाइसली हाइड्रेट्स द स्किन। लाइक आई सेड, हाइड्रेटिंग है लेकिन लाइट वेट है, नॉन ग्रीजी फॉर्मूला भी है। अब आते हैं इसके फॉर्मूला पर। इसमें 2% नायसिनमाइड है जो एक वाटर सॉल्यूबल फॉर्म है विटामिन B3 का, विच हेल्प्स फेड ब्लेमिशेस। राइस वाटर है जो ब्राइटन करता है स्किन को, स्मूथन आउट करता है स्किन टेक्सचर। मैट मरीन है विच इज़ डिराइव फ्रॉम ब्राउन एल्गे टू कंट्रोल एक्सेस सीबम प्रोडक्शन। एक स्मूथ स्किन के लिए वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसमें कैक्टस वाटर डाला है जो प्रिकली पियर कैक्टस से डिराइव्ड है। कैक्टस वाटर बेसिकली सपोर्ट करता है स्किन का नेचुरल एबिलिटी टू स्टोर मॉइस्चर एंड हाइड्रेट स्किन for a stronger skin barrier।
Now, I had to pick up a moisturizer which will seal this entire deal, and therefore I wanted to pick up something lightweight, easy to absorb and really keeps the skin hydrated. तो मैंने ये वाला एक जेल क्रीम फॉर्म पिक किया है. जैसे मैंने बोला, अगर आप ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन कैटेगरी में है या नॉर्मल स्किन है, तो ये प्रोडक्ट मेरे हिसाब से ज़रूर ट्राई करें. हाईली रिकमेंडेड. अब पूरे फेस का ध्यान आपने रख लिया, आपने आईज़ को भी ट्रीट कर दिया. एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो आपको बताती हूँ अपने लिप्स के लिए. अब लिप्स पे भी आपको कुछ ना कुछ हाइड्रेशन लगाना बहुत ज़रूरी है, एंड व्हाट बेटर इफ इट कम्स विद ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स. मेरे पास जो है वो है लनेश का लिप स्लीपिंग मास्क. मेरे पास दो वर्जन्स हैं, आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं. ये दोनों ही मुझे पीआर में आए थे. द वन दैट आई हैव और जो मुझे ज़्यादा पसंद है राइट नाउ इज़ दिस वन. आई थिंक दिस इज़ सम रास्पबेरी और बेरी फ्लेवर of sorts, because वैसे ही इसका फ्लेवर आता है. इसमें shea butter है, ग्लिसरीन है, विटामिन सी डाला है फॉर ब्राइटनिंग योर लिप्स, एंड इट ऑल्सो हैज बीटा ग्लूकन्स. बहुत ही हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग स्लीपिंग मास्क है. हल्का सा एक टिंट भी है जब आप इसको लगाते हैं लिप्स पे, तो आप इसको डे या नाइट दोनों में यूज़ कर सकते हैं. फॉर माई ग्लास स्किन केयर रूटीन, जब हम पूरे फेस को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, मेकिंग इट हेल्दी एंड इवन टोन, तो लिप्स को पीछे क्यों छोड़ दें. सो दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट स्टेप ऑफ द स्किन केयर रूटीन. With that, it's a wrap, guys. I really hope आपको वीडियो पसंद आया है. अगर किसी भी तरीके का वीडियो सजेशन है मेरे लिए, तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अंटिल आई सी यू नेक्स्ट, गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लव यू ऑल. बाय बाय.